महादेव, महादेव मैं आ गया। महादेव यदि मुझे ज्ञात होता कि इस दिव्य धनुष को यहां रखा गया है इस दरिद्र राजा के भवन में तो बहुत पहले ही यहां आ गया होता। प्रभु जनकपुत्री का स्वयंवर तो निमित्त मात्र है इस धनुष को मुझ तक पहुंचाने का। जनक क्या जाने इसका सम्मान कैसे किया जाना चाहिए। इसका सम्मान तो होगा लंका में आपके सबसे महान भक्त के राजभवन में, रावण की सोने की लंका में। मैं इस धनुष के लिए सुवर्ण मंदिर निर्मित करवाऊंगा। सुवर्ण मंदिर? नहीं नहीं नहीं, केवल सुवर्ण मंदिर ही नहीं, इस धनुष को बहुमूल्य रत्नों से सजाऊंगा और इस साधारण प्रत्यंचा के स्थान पर चांदी की प्रत्यंचा लगवाऊंगा। चांदी की? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे भूल गया कि चांदी जैसे अल्पमूल्य वस्तु तो लंका में है ही नहीं। स्वर्ण है, केवल स्वर्ण, इसलिए इसकी प्रत्यंचा सोने की होगी। मेरे लिए सब कोई बड़ी बात नहीं है महादेव। आपका यह भक्त सबसे धनी राज का निर्माता है, स्वामी है। मैंने अपने परिश्रम से इसका निर्माण किया है। ऐसा नहीं इसमें आपकी कृपा सम्मिलित नहीं, पर आपका यह भक्त आपके कृपा के बिना भी ये संभव कर लेता। और सत्य कहूं तो जितनी आवश्यकता मुझे आपकी है उससे कहीं अधिक आवश्यकता आपको मेरी है। संसार आपको मेरी भक्ति से जानता है। इतना बड़ा भक्त जब आपकी पूजा करेगा तो संसार भी उसका अनुसरण करेगा। और वो जनक अपने आप को राजा कहता है, कृषक है वो, तभी तो ऐसा दरिद्र है। और आपका स्थान दरिद्रों के बीच नहीं, लंका में है। भक्ति की बहुत परीक्षाएं दे चुका हूं मैं। जब इस स्वयंवर में इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा तब मेरी भक्ति की नहीं आपके आराध्य होने की परीक्षा होगी। इस बार अपने इस महान भक्त को निराश मत होने दीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पे राजकुमारी सीता का स्वयंवर आरंभ हो चुका है, बहुत ही चहल पहल है वहाँ पे। मेरा तो वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मेरा मन कहता है हमारी जानकी, हमारी वैदेही, वो वही पा सकेगा जो बहुत भाग्यशाली होगा। यूं ही नहीं कोई पा सकता हमारी सीता को।
आप सही कह रही हैं माई। अच्छा अब मैं चलता हूँ। क्या कर रहे हो? अब हद करना भी छोड़ दो। हाँ माई, मैं प्रयत्न करता हूं। भैया सुनो, इधर आओ। यदि मैं सत्य हूं तो ये वही राजकुमार है ना जो ब्रह्मऋषि विश्वामित्र जी के साथ में पधारे? हाँ, ये तो वही है। मुझे संदेह था, किंतु एक राजकुमार खेतों में हल क्यों चलाएंगे? मुझे वही लगे, इसलिए मैंने सोचा कदाचित तुम इसकी पुष्टि कर सको। और ये माई भी नहीं जानती कि वो क्या कर रही है। माई को शीघ्र बताना चाहिए। बता चाहिए, चलो। अरे माई, ये क्या कर रही हो? आप जानती भी वो कौन है? नहीं, इसने कहा मैं आपकी सहायता करूं, तो मैंने कहा कि हाँ कर दो। इसने कहा कि मैं सीखना चाहता हूं, मैंने कहा कि सीख लो। माई, वो अयोध्या के राजकुमार है। राजकुमार अयोध्या के? अगर वो होते तो इस तरह हमारे खेतों में श्रम करते? कैसी बात कर रहे हो बेटा? अरे माई, ये वही दिव्य पुरुष हैं जिन्होंने तारका नामक राक्षसी का वध किया और सदानंद की माता अहिल्या का उद्धार किया। राजकुमार, ये तुमने कहा और मैंने सुन लिया। अरे ये राजकुमार नहीं हो सकते, मैं वृद्ध हूं परंतु मूर्ख नहीं। भैया, भैया ये क्या कर रहे हैं आप? हल चलाने का प्रयास कर रहा ताकि माया की कुछ सहायता कर सकूं।